तो सब लोग जानते हैं बिटकॉइन की शुरुआत कब हुई थी सर? 2009 में। तो उस टाइम एक बिटकॉइन कितने का था? 6 रुपए का एक बिटकॉइन था। तो उस टाइम जब क्रिप्टो को कोई नहीं जानता था, अगर उस टाइम किसी को यह बताया जाए आप इस क्रिप्टो करेंसी को लेके रख लो, आने वाले टाइम में इसकी कीमत बढ़ेगी, तो क्या किसी ने विश्वास किया होगा? हाँ जी सर, नहीं किया होगा। आज तो वैसे भी क्रिप्टो के बहुत यूज है, आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हो, INR में ले सकते हो, हर जगह यूज कर सकते हो आप क्रिप्टो को। लेकिन जब 2009 में चला था और किसी इंसान ने जब किसी को बोला होगा भाई आप बिटकॉइन ले लो, क्रिप्टो ले लो, आने वाले टाइम में इसकी कीमत बढ़ेगी, तो किसी ने विश्वास नहीं होगा। लेकिन किसी ने विश्वास करके अगर 1000 रुपए उस टाइम लगा दिया था, अगर क्रिप्टो में 1000 रुपए लगा दिया था तो उसको 166 BTC मिले थे। कितने सर? 166 BTC मिले थे। और आज एक BTC की कितनी कीमत है सर? 35 लाख। हाँ जी, 40 लाख। आज 40 लाख हो चुकी है सर। तो लगभग वो 1000 इन्वेस्ट करने वाला इंसान आज 65 करोड़ का मालिक है। चाहे उसने कुछ न किया हो, वो दिन रात पड़ के सोया है तब भी वो आज 65 करोड़ का मालिक है। ये क्रिप्टो की पावर है। तो दोस्तों, जिस क्रिप्टो के लिए आप यहाँ पे आए हो उसके बारे में बताऊंगा, उसका फ्यूचर क्या है, वो यहाँ से क्या हो सकता है। तो टाइम क्या होता है, अब टाइम की वैल्यू समझाता हूँ मैं आपको। जब मेरे को बिटकॉइन के बारे में पता चला उस टाइम सन था 2012। क्या सन था सर? 2012 में मेरे बिटकॉइन के बारे में पता लगा। जब हमने इसका प्लान देखा जाकर के अम्बाड़ा, तो हमने विश्वास नहीं किया, क्योंकि जो इंसान हमें बताने के लिए आया था वही LML स्कूटर पे आया था और उसके भी टायर फटे हुए थे और स्टैंड नहीं था, ईंटें लगा के उसने खड़ी की थी। मलिक जी मेरे साथ थे, हमने विश्वास नहीं किया। तो दोस्तों प्लान देख लिया हम, पैरा किंगफिशर है, किंगफिशर में बैठे हुए थे, उसको अंदर से देख रहे थे। जब उसने स्टैंड नहीं था, उसके नीचे ईंटें लगाई, स्कूटर उसने खड़ा किया, तो उसने प्लान दिया, हमने विश्वास नहीं किया। जो भी अभी कर दूं, हम तो कहीं कर रहे हैं, उस टाइम RDFD का दौर था, हम RDFD में वर्क कर रहे थे। लेकिन विश्वास ना करने के कारण क्या हुआ, विश्वास नहीं किया हमने, 2 साल के बाद महसूस हुआ भी क्या लॉस किया हमने, क्योंकि 2 साल के बाद वो इंसान दुबई सेट था और 5000 करोड़ का मालिक था। कितने का सर? 5000। मैं 550 नहीं बोल रहा हूँ सर, 5000 बकायदा चेक कर सकते हो। बंदे का नाम है CS बाली, अम्बाला से, और आज दुबई के अंदर उसके 3 5-star होटल हैं, जिसको हम ये बोलते थे कि इसका तो स्कूटर का स्टैंड भी नहीं है। तो ये क्रिप्टो की पावर है। उसके बाद फिर दोबारा टाइम की वैल्यू क्या है, दोबारा फिर 2016 में जब मैं कंपनी कर रहा था पेबैक, 2016 में मीटिंग देखने के लिए दिल्ली गया, तो एक इंसान था वहां पे, उसने मुझे बोला भाई आप बिटकॉइन ले लो, बिटकॉइन उसने बोला 28,000 रुपए का बिटकॉइन है। तो सर मैंने भी वहां पे भी विश्वास नहीं किया और उल्टा अपने सीनियर को बोल दिया, ये मेरे को कह रहा है बिटकॉइन ले ले, उसको भी पता नहीं था मेरे सीनियर को, वो कह रहा क्या यार इनको बका रहा है, तो काम कर रहे हैं करण, तो उसको भी नहीं पता था और मेरे को भी नहीं पता था। 28,000 का बिटकॉइन ले लेता तो आज वो 40 लाख का था। ठीक है, ये समझ आया फिर 2017-18 बिटकॉइन क्या है जो 40 लाख हो गया। तो इसी तरीके से जो गेजी टोकन है, ये कोई सर छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। अगर किसी को लगता है 6 महीने साल 2 साल, तो वो $25 या $50 की अपनी आईडी लगा के छोड़ सकता है और चेक कर सकता है आने वाले टाइम में क्या होगा। तो सर इसको हल्के में मत लेना। अब एक्सप्लेन करता हूं मैं क्रिप्टो की जरूरत क्यों पड़ी और फिर हम प्लान की बात करेंगे। समझ आ रहा है ना सर? Yes, सर आप मेरा साथ दोगे तो ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा मैं आपको। देखो बदलाव जिंदगी का नियम है, बदलाव, क्योंकि जो पतझड़ होती है ना और पेड़ पे पत्ते आते हैं वो भी हर साल बदलाव करते हैं अपने अंदर, है ना। जिंदगी में बदलाव जरूरी है और जिंदगी में हर चीज में बदलाव होता है, पैसे में बदलाव होता है, करेंसी में बदलाव होता है। तो सबसे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था, वस्तुओं का लेन देन। अगर मेरे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, अदला बदली कर लेते थे। जब मैं छोटा था गांव में पुराने जमाने के हेयर ड्रेसर आते थे, बाल काटते थे, मेरे दादाजी उनको गेहूं देता था, ये चला करता था पहले। ठीक है सर, वस्तुओं का लेन देन चला करता था। बार्टर सिस्टम के बाद कॉइन का जन्म हुआ, लोग कॉइन की जरूरत पड़ी, चांदी के, तांबे के, सोने के कॉइन यूज होने लगे। उसके बाद फिर रूप चेंज हुआ, पेपर करेंसी में बदल गया, हम पेपर करेंसी यूज करने लगे।
पेपर करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? अगर उस टाइम पे 50,000-10,000 अगर कहीं लेके जाना पड़ जाए तो भारी बहुत आ जाते थे, और आपको पता भी है उस टाइम पे लूटपाट हुआ करती थी, लुटेरे लूट लेते थे। तो करेंसी का पेपर करेंसी का जन्म हुआ ताकि 50,000 या 1,00,000 अगर हमें कहीं लेके जाना पड़ जाए तो वो पता भी लगे कहां डला हुआ जेब में। लेकिन यहाँ में फिर प्रॉब्लम आ जाती है जब करोड़ों में चले जाते हैं ये बात, अगर करोड़ों में हमें कहीं लेके जाना है तो फिर वही प्रॉब्लम दिखाई देगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, एक फिर जन्म हुआ, फिर बदलाव हुआ एटीएम। 1996 की बात है सर, 1996 की बात है, जब मैं स्कूल में स्टडी किया करता था तो मेरे टीचर ने मुझे ये बताया था भी बाहर के देशों में आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप रात को भी पैसे निकाल सकते हो। 1996 की बात है ये। लेकिन जब इंडिया में एटीएम आए तो तब महसूस हुआ मुझे, जो मेरे टीचर ने मेरे को बताया था वो एटीएम की बात कर रहे थे भी वहां पर रात को भी आप पैसे निकाल सकते हो। यानी कि हम यहां थे और फॉरनर कहां थे, यहां पे एटीएम पे। जब हम यहां पे आए तो वो यूपीआई पे चले गए, जो आज हम यूज करते हैं यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप, इस तरीके यूज करते हैं। तो हम यहां थे वो यहां थे, आज हम ये यूज कर रहे हैं तो आज वो कहां है, क्रिप्टो पे। आज वो क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने भी अमीर आदमी है, टॉप 10 लगा लो या टॉप 100 लगा लो, हर इंसान के पास क्रिप्टो है। तो दोस्त, जब पूरी दुनिया या दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्रिप्टो के पीछे है तो हमें भी समझ लेना चाहिए भी क्रिप्टो है क्या और आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो सर ये क्रिप्टो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। गेसी टोकन, ये भी एक क्रिप्टो है, ये BIP20 की ब्लॉकचेन पे काम करता है गेजी टोकन, और इसकी सप्लाई है 50,00,000। तो व्हाट इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन के अंदर बहुत से ब्लॉक्स होते हैं। उन ब्लॉक्स में क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन हमारी होती है उसके अंदर वो जाके सेव हो जाती है। सीधी देसी भाषा में कहे तो ब्लॉकचेन जैसे बही खाता होता है वो काम करता है, आपका पूरा रिकॉर्ड रखता है ट्रांजैक्शन कहां से कहां गई। ब्लॉकचेन द वर्ल्ड फेवरेट टेक्नोलॉजी, आने वाले टाइम में आपको 90% से ज्यादा, बहुत 5 से 6 सालों के अंदर 90% से ज्यादा बैंक आपको ब्लॉकचेन यूज करते मिलेंगे, और अमेजोन और सैमसंग जैसी कंपनियां आज के टाइम में ब्लॉकचेन यूज कर रही हैं। सभी बैंक, जितने भी बड़े बड़े बैंक है, हर बैंक अपनी ब्लॉकचेन की तैयारी में चला हुआ है, लगा हुआ है, तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट, हाउ टू ब्लॉकचेन वर्क, ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है, इसमें बताऊंगा। तो ट्रांजेक्शन जैसे हम करते हैं, फिर ब्लॉक्स में जाएगी, फिर नोट्स बनेंगे, इस तरीके से वेरीफाई करता है। लेकिन मैं थोड़ा देसी भाषा में आपको समझाता हूं। जब भी हम ब्लॉकचेन के जरिए कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ये आप कह सकते हो ब्लॉकचेन एक नेटवर्क है, जैसे एयरटेल का नेटवर्क होता है, जैसे BSNL का नेटवर्क होता है, जैसे आइडिया का नेटवर्क होता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा, जिनको नॉलेज है क्रिप्टो में, TRC20 ERC20 है ना, BIP20, वो क्या है, वो नेटवर्क है भाई। किस नेटवर्क से मेरा कॉइन यहां से चल करके किसी दूसरे पर्सन के पास जाएगा, जिस जरिए को हम रास्ते को यूज करते हैं, जिस नेटवर्क को हम यूज करते हैं, उसका नाम है ब्लॉकचेन। और ये पूरा सिक्योर होता है, जगह जगह से ट्रांजेक्शन वेरीफाई होकर तब जाके ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है, पूरा सेव होता है ये सर, ठीक है सर। सर समझ आ रही है ना आप लोगों को, पता क्या, अगर आप लोगों ने इतनी कीमती टाइम, अगर आप लोगों को नहीं समझ आया, मैं समझा नहीं पाया, ठीक है, समझा, मैं वैसे भी समझा नहीं सकता क्योंकि समझना तो खुद ही पड़ेगा आपको, है ना। हाउ टू गेट USDT वर्क इन योर डेली लाइफ, जिस तरीके आज हम अपना पैसा यूज करते हैं UPI के जरिए, किसी भी UPI के जरिए, तो उसी तरीके से आज के टाइम USDT भी लोगों की लाइफ का जरिया बन चुका है, लोगों की लाइफ है। हर इंसान इसको कभी भी, मतलब जैसे हमारा लगा हुआ है, क्रिप्टो में लगा हुआ है, एक्सपोज करो, एक्सचेंज कर रहे, ट्रेडिंग कर रहे हो आप, ठीक है। अगर किसी भी टाइम आपको पैसे की जरूरत है तो उसी टाइम आप बटन दबाओ, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। आप USDT को कन्वर्ट करके INR में ले सकते हो, आप USDT को कन्वर्ट करके USDT में ले सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो आप, किसी भी देश में, ठीक है सर जी। फ्यूचर, योर फ्यूचर
वेल्थ ग्रोथ, ठीक है सर। ये गिजी जो प्रोजेक्ट है जिसके सिस्टम में आज आप यहाँ बैठे हो, ये उसकी ग्रोथ के बारे में बता रहा है। गिजी टोकन ने 40% से तक अभी तक ग्रोथ कर चुका है और 2026 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आज के टाइम में हमारे क्वेश्चन होते हैं, भई ये किस एक्सचेंज पे है, क्या ब्लॉकचेन है, कहाँ यूज हो रहा है, कैसे है, क्या है, 2026 में आपको कोई एक चीज की भी कमी नहीं मिलेगी, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी 40% कंप्लीट कर चुका है, इसके बारे में आपको बताता हूँ अभी बताऊंगा। रोडमैप सर, जो बिजनेस आइडिया था जनवरी 2013 में बिजनेस आइडिया आया था, 6 जून 2023 को इसकी आईडी लगनी स्टार्ट हो चुकी थी और 5 अगस्त को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो आईडी ग्रीन स्टार्ट थी। 25 दिसंबर 2023 में टोकन लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, आपको दिसंबर के लास्ट तक ये यहाँ पे लिस्ट मिलेगा एक्सचेंज के ऊपर। यूटिलाइज टोकन 30 दिसंबर 2023, जैसे ही सर ने बोला था दिसंबर में हम कहीं ना कहीं इसको यूज केस दे देंगे, तो दिसंबर में ही आपको यूज केस मिलेगा। आज तक बहुत बड़े बड़े कॉइन है जिनको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, वो कॉइन आज कहीं यूज नहीं होते, सिर्फ हमारे मोबाइल में रहते हैं, लेकिन आप गिजी को यूज भी कर सकते हो 1 तारीख से, जो जनवरी आएगी 1 तारीख से यूज कर सकते हो। 10 जुलाई 2024 लॉन्चिंग गिजी गेमिंग पोर्टल, इसका एक गेमिंग पोर्टल भी आएगा। आपने बहुत गेमिंग पोर्टल देखे होंगे, जैसे ड्रीम इलेवन कह सकते हो आप, टीम बनाओ, ठीक है जी, इस तरीके से इसका गेमिंग पोर्टल भी आएगा। और 31 दिसंबर 2024 जैसे कि मैंने बताया था जसवंत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, 31 दिसंबर 2024 को कंपनी की खुद की ब्लॉकचेन भी होगी। गेजी टोकन डिस्ट्रीब्यूट एंड टोटल सप्लाई है गेजी टोकन 40 लाख, ये डिस्ट्रीब्यूट है। रिवार्ड में आपका 5% जाएगा, डेवलपर के लिए 10% है, पब्लिक सेल 40%, प्राइवेट सेल के लिए 20% रखा है, चैरिटी के लिए 5%, मार्केटिंग प्रोफेशनल 12% और फ्यूचर ग्रोथ के लिए 8%। तो सर आपने एक चीज देखी होगी यहाँ पे, थोड़ा ध्यान करो, ये क्या है, चैरिटी 5%। तो दोस्तों ये लिख दिया जो मैं चीज दिखा रहा हूँ ना आपको, जैसे रोड मैप दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ ये नहीं अभी लिख दिया और बत्ते है नहीं, आपको मार्च या अप्रैल में पता लग जाएगा वाकई में चैरिटी हो रही है या नहीं हो रही है। जो लोग डायमंड एंड अबव होंगे उनको लिस्ट दी जाएगी भी अपने एरिया में कहाँ पे कितना बच्चों को जूते देने हैं, किसको वर्दी देने हैं, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये मार्च अप्रैल से आपको नजर आ जाएगा, लिखित में नहीं है, ये प्रूफ है, ठीक है सर जी। सर ये पैकेजेस है, अगर कोई भी इंसान केसी टोकन में स्टार्ट करना चाहता है तो ये पैकेजेस है, $25 से लेकर के $500 तक कोई भी इन्वेस्ट करता है तो उसमें 150% दिया जाता है आपको। सपोज करो मैं हूं, मैंने $100 लगाए तो $100 के जो टोकन आने थे मेरे को, कंपनी साथ के साथ $150 के टोकन दे देती है। हाँ जी सर, हाँ जी क्लियर है। उसके बाद $1,000 से लेके $25,000 तक जो भी आप इन्वेस्ट करोगे 200% आपको मिलेगा। जैसे मैंने $1,000 इन्वेस्ट किया था और 0.25 सेंट का प्राइस था, तो मेरे को कंपनी ने 4,000 टोकन दिए थे मेरे मूल का, जो मैंने $1,000 लगाया था, लेकिन कंपनी देती कितना है 200%, तो 4,000 मेरे को कंपनी ने दिए, तो आज मेरे पास 8,000 टोकन है और आज टोकन का जो प्राइस है सर वो 42-43 रुपए है INR में, 0.47 सेंट, ठीक है सर। अगर आज के हिसाब से वैल्यू चेक करूं तो 3,20,000 प्लस के है वो, जो 90,000 इन्वेस्ट किया था। उसके बाद सर $50,000 से लेके $1,000,000 तक आपको 250% दे जाएगा जी सर। देयर आर 8 टाइप ऑफ इनकम, इसमें 8 तरह की आपको इनकम दी जाती है, डिविडेंड इनकम दी जाती है, जो आप इन्वेस्ट करोगे उसको जो पर डे आपको इनकम आती है वो डिविडेंड है, डायरेक्ट का 10% है, कम्युनिटी इनकम है आपका, रैंक इनकम है, इक्विटी बोनस है, बोनाइजा इनकम है, इसके बाद टीम बोनस है, स्पेशल बोनस है, इस तरीके से 8 तरह की इनकम है। डायरेक्ट प्रेफरल, जैसे मैंने ज्वाइन किया और मैं आगे 1% ज्वाइन कराता हूँ या 2 कराता हूँ या 10 कराता हूँ, अनलिमिटेड डायरेक्ट में लगा सकता हूँ, इसमें सबसे मुझे 10% कमीशन आएगा, 10% इनकम आएगी प्रेफरल का जी। उसके बाद मैंने टीम बनाई तो वो मेरा फर्स्ट लेवल है, आगे वो टीम बनाएगा सेकंड लेवल है, आगे वो टीम बनाएगा
समझते हो सर? yes, समझ रहे हो ना? है ना, जैसे ये मैं हूं यहाँ पे, मेरा फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, इस तरीके से फर्स्ट लेवल से लेके सिक्स्थ लेवल तक जो भी आपकी टीम बनेगी वहां से आपको $1 आएगा, वहां से आपको $1 आएगा, चाहे आईडी $25 की है और चाहे आईडी $25,000 की, आपको $1 ही मिलेगा। उसके बाद सेवन से इलेवन ग्यारहवें लेवल तक आपको $0.5 मिलेगा, आधा डॉलर ही मिलेगा, आईडी चाहे किसी भी अमाउंट में हो। उसके बाद 12वें लेवल से लेकर 15वें लेवल तक आपको 0.25 सेंट ही मिलेगा, ठीक है सर? अभी यहाँ पे थोड़ा इसको समझने के लिए यहाँ पे आते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। अब जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करो आईडी लगाई, आपने किसी भी इंसान ने आईडी लगाई, आप यहाँ पे एक डायरेक्ट करो, दो करो, ये तीन करो, ये पांच करो, मर्जी आपकी है। यहाँ पे गोल्ड बनने के लिए जैसे लिखा हुआ है गोल्ड $2,000 का बिजनेस है गोल्ड रैंक के लिए और 5% आपका कमीशन, मतलब लेवल का जाते हो आप, तो यहाँ पे एक लाइन में आपका $1,000 हो जाना चाहिए और बाकी $1,000 एक लाइन से हो, दो से हो, या पांच से हो, दस से हो, इधर $1,000 हो जाना चाहिए, या दो लाइन से भी हो जाए लेफ्ट से और राइट से, तो भी आप गोल्ड बन जाते हो यहाँ पे। और गोल्ड बनने पे आपको 5% के लेवल पे आप आ जाते हो। यहाँ पे आकर के अब किसी को आप डायरेक्ट करते हो, सपोज करो गोल्ड आप बन चुके हो है ना, और अब किसी को डायरेक्ट करते हो तो 10% तो आपको डायरेक्ट का मिलेगा और 5% आपको लेवल का मिलेगा गोल्ड रैंक का, तो 15% के लेवल पे आ चुके हो आप डायरेक्ट। अगर किसी को करते हो तो 15% डायरेक्ट का आएगा आपको, ठीक है सर? और टीम में कहीं भी बिजनेस उठता है, जैसे एक स्लाइड पीछे करना सर, जैसे कि यहाँ पे एक से लेके 15 लेवल है, अब गोल्ड रैंक गोल्ड बन चुके हो आप, फर्स्ट लेवल से आपको $1 तो आएगा आएगा, लेकिन साथ के साथ 5% भी आएगा। अब सिक्स लेवल पे आईडी डाली, $1 तो आएगा आएगा, साथ के साथ 5% एक्स्ट्रा आएगा। और 15वें लेवल पे आईडी डलती है तो भी आपको 0.25 सेंट तो आएगा आएगा, साथ के साथ 5% भी आएगा। और उसके बाद जो लेवल खत्म हो जाते हैं, चाहे आईडी 16वें लेवल पर डले और चाहे आईडी 100वें लेवल पर डले और चाहे 1000वें लेवल पर डले, कहीं भी डलती है आपको 5% आएगा, ठीक है सर? अनलिमिटेड डेप्थ तक आपके लेवल खुल जाएंगे। जी सर, तो $2,000 का बिजनेस करने में आपको मिलेगा 5%। जैसे ही आप $9,000 का बिजनेस कंप्लीट कर लेते हो, $2,000 का पिछला और $7,000 नया। जी अभी प्लीज अभी थोड़ा रहने दो ब्रदर, अभी रहने दो ना। तो यहाँ पे क्या है, $9,000 का टोटल बिजनेस करना आपने, जिसमें $2,000 पिछला जुड़ेगा और नया आपका $7,000 का। तो $9,000 का बिजनेस हुआ, आपने प्लेटिनम, प्लेटिनम बनते आप 7% के लेवल पे आ जाते हो, ठीक है जी। उसके बाद $30,000 का बिजनेस करना है, $30,000 का बिजनेस जैसे हो जाता है हमारा, तो आप यहाँ पे डायमंड रैंक पे आ जाते हो और आपको यहाँ पे 9% का लेवल मिलता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा सर बोर तो नहीं हो रहे? देखो यहाँ पे क्या है, इनकम की बात करूं, जैसे आप हो यहाँ पे, आपने क्या किया, दो लाइनों में बिजनेस किया और आप डायमंड क्लियर हो गए, $15,000 का बिजनेस डल गया, $15,000 का बिजनेस डल गया, आप बन गए डायमंड। अब डायमंड का लेवल क्या है, रैंक रैंक पे परसेंटेज क्या है, 9%। लेकिन आप अब थर्ड लाइन खोलते हो और यहाँ पे बिजनेस डलता है तो अब यहां से डायरेक्ट 9% जाएगा सर आपको, ठीक है सर? ये चीज समझ लेगी है। तो उसके बाद हो जाता है सर अपना ग्रीन डायमंड के लिए आपको $75,000 का बिजनेस करना है, लेफ्ट में राइट में 11% का आपका लेवल आ जाएगा। उसके बाद ब्लू डायमंड बनने के लिए आपको $1,70,000 का बिजनेस चाहिए, 13% का आपका लेवल हो जाएगा। उसके बाद रेड डायमंड के लिए आपको $7,00,000 का बिजनेस चाहिए और 15% का आपका लेवल हो जाएगा। जी सर, उसके बाद है सर ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड बनने के लिए आपको यहाँ पे कंपनी दो मिलियन 17% का यहाँ पे आपका लेवल है रैंक रैंक पे। तो टेंजानाइट बनने के लिए आपको बिजनेस से 5 मिलियन का 19% का यहाँ पे लेवल है। और सर लास्ट क्राउन, क्राउन के लिए आपको बिजनेस से 10 मिलियन $1,00,000।
और यहाँ पे सर 21% का आपका लेवल है, यहाँ पे आकर आप किसी को डायरेक्ट करते हो तो 31% डायरेक्ट ही आ जाएगा आपको सर, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड सर, ये जैसे जैसे रैंक अचीव करते हो आप, साथ के साथ कंपनी आपको रिवार्ड भी देती है, जैसे गोल्ड आप बनते हो तो 5% आता है वहां पे ना रैंक पे, जैसे ही प्लेटिनम बनते हो तो आपको आएगा $9,000 का बिजनेस आपने किया, $200 का रिवार्ड भी मिलेगा। अब जैसे मैं डायमंड बनाऊं, डायमंड मैं बना $30,000 का मेरा बिजनेस हुआ तो साथ के साथ मुझे $500 का रिवार्ड भी इंस्टेंट आता है सर, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, उधर क्लियर हुआ अकाउंट चेक करो आया मिलेगा सर, ठीक है सर। उसके बाद ग्रीन डायमंड $75,000 का बिजनेस, $1,000 का रिवार्ड मिलेगा आपको, ब्लू डायमंड पे आपको $3,000 का रिवार्ड है, रेड डायमंड पे आपको $7,500 का रिवार्ड है, और ब्लैक डायमंड पे आपको $18,000 का रिवार्ड है, और टेंजामाइट पे $55,000 का सर रिवार्ड है, लास्ट जो रिवार्ड है सर क्राउन पे आपका $2,00,000 का रिवार्ड है। अगर आप ये टोटल रैंक अचीव कर लेते हो तो लगभग 2,500 के लगभग आपके पास इनकम यहाँ से आ जाती है रिवार्ड से, और जो एक्स्ट्रा जो कमीशन होगी टीम वर्क से जो कमीशन आती है आपको सर वो आपकी एक्स्ट्रा है, वो इससे कई गुना ज्यादा होती है आपकी, ठीक है सर जी। जैसे आप लोग वर्क करोगे और आपकी टीम में गोल्ड प्लेटिनम डायमंड ब्लू डायमंड निकलते हैं है ना, तो ये यहाँ पे उनके रिवार्ड का 10% आपको भी आएगा, उनको पूरा जाएगा लेकिन उनके रिवार्ड का 10% आपको अलग से मिलेगा सर, ठीक है सर। स्पेशल बोनस कंपनी टर्नओवर से जो दिया जाता है हर 3 महीने में कंपनी इसको बांटती है, अभी तक कंपनी में ग्रीन डायमंड लेवल में लोग पहुंचे हैं, यहाँ पे लीडर्स ग्रीन डायमंड अचीव कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी अगर ब्लू डायमंड अचीव कर लिया, आप में से कोई भी हो सकता है सर, तो कंपनी का टर्नओवर का लगभग 20 लाख प्लस दिसंबर में वो ले जाएगा सर। ब्लू डायमंड आपने रैंक अचीव करना है, कोई भी अचीव करेगा 20 लाख प्लस इनकम ले जाएगा, ठीक है सर जी। ये अभी अब बटेगा दिसंबर में 31 दिसंबर को, और उसके बाद आपका मार्च में। ई कॉमर्स जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था और सर ने हमें बोला था भाई गेजी आपको दिसंबर के अंदर, गेजी से मतलब दिसंबर के अंदर आप गोल्ड खरीद सकते हो, तो आप 1 तारीख को जा करके चेक कर लेना, खरीद लेना गोल्ड लेना तनिष्क ज्वेलर से और कल्याण ज्वेलर से, आप गोल्ड ले सकते हो गेजी से, जो आज तक बड़े बड़े क्रिप्टो बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर सके वो गेजी ने कर दिया सर, 1 तारीख से जा करके आप तनिष्क ज्वेलर से। और आगे करो सर स्लाइड, और ये बिग बास्केट लगा लो, ठीक है अमेज़न लगा लो, बहुत से ऑनलाइन पोर्टल आपने देखे होंगे, 2024 के अंदर ही ई कॉमर्स से आप सामान ले सकते हो, जूते ले सकते हो, कपड़े ले सकते हो, टाई ले सकते हो, ये गेजी करेगा सर, ये नहीं है मैं बोल रहा हूं आज, अगर किसी को ये लगता भी मैं बोल रहा हूं तो आज अपनी डायरी पेन निकाल के लिख लो और 1 साल बाद मिल लेना मेरे से, ये पूछ लेना भाई आप ये कह रहे थे भाई ई कॉमर्स से कपड़े खरीद सकते हैं, हो सकता है आप चेक कर लेना आपको मिलेगा, ये हवा में बातें नहीं हो रही सर। आगे सर आगे सुनो, आज गेजी 4 से 5 कंट्री में काम स्टार्ट कर चुका है, जैसे कि इटली से मैडम आई हुई है, यूएसए भी काम स्टार्ट हो चुका है, इंग्लैंड भी काम स्टार्ट हो चुका है, इंडिया में तो पहले से है सर, ठीक है सर जी। टर्म्स ऑफ कंडीशन कुछ ज्यादा नहीं है कंपनी में, टर्म्स कंडीशन सिर्फ इतनी सी है जो हम सोचते हैं कि जब हम विड्रॉल करेंगे, जब हम विड्रॉल लगाए सपोज करो हमने जैसे गेजी है गेजी टोकन बेचा यूएसडीटी में कन्वर्ट किया, और जब हम किसी भी एक्सचेंज पे लेके जाएंगे तो उसमें 5% कटेगा, सिर्फ यही गेजी की टर्म्स कंडीशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है जी। ये जैसे कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही अगर 1 से 10 दिन के अंदर कोई इंसान सेल्फ अपने डायरेक्ट $1,500 का बिजनेस कर देता है तो $25 का रिवार्ड कंपनी की तरफ से मिलता है, ठीक है सर। अगर कोई इंसान 11 से 20 दिन के अंदर $3,000 का बिजनेस अपने डायरेक्ट कर देता है तो उसको $50 अलग से मिलता है, और मंथली अगर पूरे मंथ में वो $3,500 का बिजनेस कर ले तो उसके लिए कसौली का ट्रिप है 2 डेज का सर। ऐसे ही अगर खुद से ना करके डायरेक्ट ना करके अगर वो टीम से करता है,
एक से दस दिन के अंदर $4,500 का बिजनेस करेगा तो $25 का रिवॉर्ड आएगा। तो उसी तरीके से 11 से 20 दिन के अंदर अगर वो $9,000 का बिजनेस कर ले तो $50 का रिवॉर्ड आए, और पूरे मंथ में अगर वो $11,000 का बिजनेस कर ले तो यहाँ पे सोलह का ट्रिप उसको दिया जाएगा। ठीक है सर जी, थैंक यू दोस्तों। देखो जैसे अभी आप सुन रहे हैं ना, मतलब मैं समझाने नहीं चाह रहा, समझना तो खुद ही पड़ेगा, हम तो बता सकते हैं बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक अरुंधति सिन्हा, किसने, कौन जानता है सर अरुंधति सिन्हा को, जिस लड़की का पैर कट गया था। मैं थोड़ा बता देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लूंगा सर। अरुंधति सिन्हा एक लड़की थी जो ट्रेन में जा रही थी, उसने गले में गोल्ड की चेन डाली हुई थी, उस बदमाशों ने उसको गोल्ड की चेन छीनने की कोशिश करी लेकिन उसने वो चेन नहीं दी। उन्होंने क्या किया, उस लड़की को उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसमें उसका एक टांग कट जाती है, उस लड़की की एक टांग कट गई। ठीक है जी, और पूरी रात 48 ट्रेनें पास हुई उसके पास से, उसको होश नहीं दी। जब चूहे उसके कुतरते ना, कुतरते जो पैर टूटा हुआ था, चूहे कुतरते थे उसके, महसूस किया उसने, लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी, अपना ये भी नहीं था भी उसको उन चूहों को हटा दे। लेकिन उस लड़की, जब वो लड़की हॉस्पिटल में गई, उसकी जिंदगी कैसे चेंज हुई, सिर्फ मैं वो बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि जो भी यहाँ सीनियर आ रहे हैं आपको उनको, आपने उनको पूरे ध्यान से सुनना है, क्योंकि कोई भी बात अपनी आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जब वो लड़की हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने उसको ये बोल दिया, भाई चलो क्या बात होगी, तूने कौन सा एवरेस्ट चढ़ना है, क्या बात बोल दी, तूने कौन सा एवरेस्ट चढ़ना है। उस लड़की ने उसी दिन ठान लिया था, अब तो एवरेस्ट ही चढ़ूंगी। yes. और दोस्त वो लड़की एवरेस्ट चढ़ी। ठीक है, जब एवरेस्ट चढ़ के फतेह करके वो वापिस आ रही थी, उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था, तो उसका दोस्त उसको बोलने लगा, ऑक्सीजन खत्म है चलो जल्दी। वो उसने बोला भी शायद मैं जाते जाते मर ना जाऊं, मेरी फोटो खींच ले, वीडियो बना ले। ठीक है, और उसके मन में एक चीज थी, भाई अगर मेरे को मरण हो जाता तो उसी दिन मर जाती मैं, जब मेरे साथ हादसा हुआ था, तो मैं जिंदा हूं तो इतिहास रचने के लिए जिंदा हूं। yes. तो दोस्तों सिर्फ दिमाग में क्लिक होने की बात है, अगर आपके दिमाग में क्लिक हो गया यस मैं कुछ कर सकता हूं, तो जिंदगी में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर सको, सब कुछ कर सकते।